हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं आप लोगों के साथ कुछ नया करने जा रहा हूँ। मैं आपके साथ, देखिए सामने देखिए, मैं आपके साथ एक ऐसे बच्चे को लाया हूँ अपने साथ, जो कि ये बच्चा पूरी रामायण इसको याद है और ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बता सकता है, रामायण में हर एक कांड बता सकता है। देखिए बच्चा बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है और मैं इससे कुछ पूछने जा रहा हूँ और आप देखिएगा कि नहीं ये बच्चा मतलब क्या क्या बता सकता है रामायण में। इसको रामायण का हर एक सीन याद है, हर दृश्य याद है इसको और रामायण में जो भी पूछेंगे बता देगा। जैसे हम कुछ क्वेश्चन इससे पूछते हैं आपके सामने और देखिए बताएगा। बताओ बेटा, दशरथ के कितने पुत्र थे? दशरथ के 4, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। वाह बेटा, बहुत अच्छा, देखिए वेल डन, इसको याद है। अच्छा, राम की पत्नी का नाम क्या था? राम की पत्नी का नाम सीता। राम की पत्नी का नाम सीता था। दोस्तों देखिए सारा बच्चा बताएगा कोई भी कांड इसमें से। हम देखिए रामायण का, अब एक हम लंका कांड उठाते हैं। आप जानते हैं कि लंका कांड में क्या था? हनुमान जी लंका में जाते हैं, तो बताइए बेटा हनुमान जी लंका में जाते हैं तो क्या होता है? जाते हैं तो सीता जी को एक अंगूठी देते हैं, कहते हैं कि ये श्री रामचंद्र ने दिया है। हाँ, कहते हैं कि ये कुछ खाने को मिलेगा, कहते हैं कि ये वृक्ष को मीठे मीठे फल खाओ तो उड़ के तोड़ पूरा उखाड़ के खाते हैं। हाँ, अरे जब सब राक्षस आते हैं, सब सेना आती है, लेकिन उनको सब प्राप्त हथ कर देते हैं, लेकिन इंद्रजीत आता है, लेकिन इंद्रजीत बस वो हवा में उड़ते थे, बस तीर मारना न मारने लगा तो हट बीच बीच में हटने लगा, तो फिर ब्रह्मास्त्र फिर ऊपर से फिर नीचे और नीचे चल गए। फिर आप सेना कहा कि इन्हें बांधो तो बांध दिए, आज इसीलिए नए पहाड़ किए कि उन्हें लंका जलाना था, क्योंकि उन्हें नए शंकर जी का अवतार है, क्योंकि वही 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 लंका का सोना बनाए थे। श्राप के कारण, पार्वती के श्राप के कारण इसीलिए वो हुआ था। और वो बांध ही पूरा ले गए रावण के सामने, तो रावण कहा कि क्यों नहीं इसकी पोछ ही जला दे, उसका वो अपन पोछ बढ़ा ले रहना और सब कपड़ा लपेट के कहना की आग लगा दे जाए, बस आग लगा देना, बस जय श्री राम करके तोड़ जा। फिर पूरा लंका जला दिया, फिर हाई मर गया सब, भाग गया राक्षस। फिर वापस समुद्र गया अपना पोत जलाए। वाह बेटा, हाँ तो देखिए ये इन्होंने रामायण का लंका कांड में क्या बताया कि सीता जी के पास जब हनुमान जी जाते हैं तो वो मुद्रिका जो थी भगवान श्री राम ने जो उनको दी थी, तो वो हनुमान जी बताते हैं कि ये भगवान श्री राम की मुद्रिका इन्होंने दी है, तो पहचान जाती है सीता जी की। हाँ, ये उनको विश्वास नहीं होता है कि ये मतलब भगवान के दूत हो सकते हैं, क्योंकि बंदर भगवान के दूत कैसे हो सकते हैं, तो भगवान श्री राम के उनको विश्वास नहीं था सीता जी को, लेकिन बाद में वो मुद्रिका जब देते तो उनको विश्वास हो जाता है। देखिए बच्चा कितना अच्छा बताया, बोला कि हनुमान जी को कैद करने के लिए इंद्रजीत आता है, इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसको कैद करता है, क्योंकि हनुमान जी को और कोई कैद नहीं कर सकता था। किसे? रस्सी से। हाँ, पहले वही मतलब जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है तो बस जाते हैं। बच्चा बोल रहा है कि रस्सी से। देखिए बच्चा, मात्र हम बता रहे हैं आपको, ये 3.5 साल का बच्चा है और इस बच्चे को रामायण का पूरा एक एक कांड याद है। ये लंका कांड में बताया कि फिर हनुमान जी अपनी पूछ लंका जब जला देते हैं तो अपनी पूछ को जाकर समुद्र में बुझा देते हैं, तो इस बच्चे को देखिए वो सीन याद है। अच्छा बेटा बताइए, रावण के कितने भाई थे? रावण के, हाँ कौन कौन था वो? हाँ, कुंभकर्ण और विभीषण, 3। हाँ, कुंभकर्ण, विभीषण और रावण। देखिए इस बच्चे को याद है कुंभकर्ण, विभीषण और रावण 3 भाई थे। अच्छा बताइए, ये लोग तपस्या किए थे, तपस्या में क्या हुआ था, कौन क्या मांगा? अरे तो जब तपस्या किया था, जब ब्रह्मा जी पसंद होके आए था, कुंभकर्ण कहा ना कि मुझे दिन चलने फिरने का दान दीजिए, तो बस वो दिए, तो फिर कहा नहीं नहीं, वो कहा कि ये नहीं और दान मत दीजिए, मुझे शक्तिशाली को दान दीजिए, तो वो कहे ब्रह्मा जी की मैं वो जो अवदान दे दूँ मैं उसे वापस नहीं लौटा सकता, तो मैं एक और दान दे सकता हूँ, दिन भर तुम सोओगे, दिन भर तुम खाओगे। रावण को शक्तिशाली को दान दी, क्योंकि उसको सब सब देता का दान था, इसलिए उसकी शक्ति नाभि में थी।
नाभि में शक्ति थी, तो कैसे वो मतलब मारे जाएंगे रावण, कैसे मारे जाएंगे रावण, कैसे मारे जाएंगे? जब जब उस तीर निकाल के फिर एक बार पढ़ेंगे मंत्र, फिर मारेंगे नाभि में, तो पूरा पूरा अमृत सुखा जाएगा, फिर नाभि का अमृत सुखा जाएगा, फिर ब्रह्मास्त्र मारेंगे तो फिर वो मर जाएगा, फिर वो मर जाएगा। देखिए इस बेटे को कितना अच्छा बात याद है, ये बोल रहा है कि जो नाभि का अमृत है वो सूख जाएगा और फिर ब्रह्मास्त्र का जब प्रयोग करेगा तब जाकर रावण मरेगा। भगवान श्री राम जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे तो रावण मर जाएगा। देखिए बेटे को रामायण का एक एक सीन याद है, ये मात्र 3.5 साल का बच्चा है और इसको पूरी बात याद है। और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये मेरा सगा भतीजा है, ये मेरे बड़े भाई का लड़का है और ये बच्चा बहुत कुछ जानता है, रामायण का एक एक सीन बता सकता है। और बेटा कुछ अगर आपको इंटरेस्टिंग चीज़ है रामायण के बारे में, जैसे मान लीजिए लक्ष्मण जी को जब शक्ति लग जाती है तो उनको संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी जाते हैं, तो उनके साथ क्या क्या होता है बताइए। एक और बात बताऊँ, जब जब हनुमान जी की भी शक्ति बाढ़ मार देता है इंद्र जी, तो सुग्रीव जाते हैं लाने संजीवनी बूटी, फिर ऋषि मुनि तोड़ के देते हैं। अच्छा, तो हनुमान जी कैसे जाते हैं, कालनेमी से युद्ध होता है सब बताइए। जब 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 वो शक्ति बाढ़ मार दिए तो फिर लेने गए ना, तो फिर कहा रावण की आपस से नपद कहा कि आपने अपने शक्तिशाली कालनेमी को यहाँ पेश करो, तो कनक के तुम नतला में उस माया बी के साथ मैं खुद जाता हूँ, तो गना कहा रावण की गज जा कि जा ए काले में राक्षस तुम जाओ और हनुमान को किसी से गान किसी छल कपट से उस आज की रात वहीं बिताने दो, क्योंकि लक्ष्मण का प्राण निकल जाए। हाँ, और गई फिर वो हनुमान से बड़ा तेज उड़ता था। हाँ। और फिर वो गायब हो के फिर आ गया वहाँ पे, और एक पहाड़ पे एक कुटिया बना लिया और एक बैठने का एक बड़ा टेबल और अपने ऋषि मुनि का भेष लेके और गाना गाने लगा। फिर हनुमान सुन के बड़ा अच्छा गाना गा रहा था, हनुमान फुसला रहा था फिर बड़ा अच्छा गाना गा रहा था, फिर वही हनुमान रुक गए। हाँ, और गाय लगा तो फिर कहे कि नहीं तुम आराम कर लो, तो फिर कौन के नहीं ये कहना, फिर हनुमान जी कहे कि नहीं मैं यहाँ विश्राम करने नहीं आया, मैं अब एक ऋषि मुनि कुटिया देख के अपनी प्यास बुझाने आए हो, तो कल उसकी तुझे प्यास ना लगे, मैं इसका मंत्र बता दूंगा, तो कानन के सच फिर कलश की फिर कानन फिर जब गाल पूरा तो फिर बहुत बहुत कल से फिर कानन की अभी मैं नहा के आता हूँ स्नान करके आता हूँ, तो फिर एक गंगा नदी में गई वैसे नहाए लगे मैं, तो बस एक मगमच्छ उनको पीटिए धोल बस मगमच्छ एक मुँह तोड़ के फेंक दो ना बस एक औरत के रूप में बदल गए, हनुमान जी कहन की ये कैसी लिया है, तो कहन की लीला नहीं ये मैं किष्किंधा की एक रानी थी, किष्किंधा की एक रानी थी। हाँ, अरे एक ऋषि मुनि करा से ये रुपाई। हाँ, कहनन के सावधान हनुमान जी ये सर में मुनि नहीं, ये रावण के भेजा हुआ कालनेमी दूत है। कालनेमी दूत है? हाँ, बता रहा बेटा कि वो कालनेमी दूत था जो रावण ने भेजा। और बाकी है ना, बोलिए। हाँ, कहनन की ये रावण नहीं इसके काल नहीं यहाँ भेजा, फिर उड़ गई आसमान में। हाँ, फिर गई ना कहना की पुल में गुरु दत्त दूंगा, फिर हाथों पैरा पकड़ के कहना की मैं तेरी लीला जान गया, कान में दुस कान में उठा के फेंक दो, फिर कहना की लीला जान गया बस। हाँ, हाँ, हाँ। लीला जान गया बस, वो कान के पूरा भेस में अगले बार डरावना रहे। हाँ, ओजे सामने जी बताऊ तो उनका दांत बड़ा 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 रहे, बार बड़ा रहे, करिया छुछुना जी सब रहे, हड्डी पहले रहे, हड्डी राक्षस का। फिर हाथी से लड़ रहा, बस एक गदा मरना, बस एक गदा मरना, बस फिर मुड़िए
फिर राजा के हाथों तोड़ ऐसे खींचे लगाना बस मर गई। अब फिर राजा गई ना, फिर राजा भरत ही ना भरत अरे जाए गए कोनो लाचिच को मार था ना माता ना फिर फिर जैसे उनके उंगली से बतिया कि फिर बड़ा बड़ा जनता बढ़ा लाना। हाँ फिर संजीवनी बूटी लेके फिर गए लेके आ गए। फिर ऋषि मुनि सूर्य गए और देख कहन कहे सूर्य की ऐसे जीवनी पा संजीवनी बूटी पहाड़े था कहे हाँ ऋषि मुनि तो जैसे दौड़ने वाले थे तो बस कान के रुक जाओ अभी संजीवनी बूटी नहीं अभी कौन लोहा है। हाँ जैसे कुछ मंद पड़ा बस संजीवनी पकड़ हो गई ले जा टूट के आ गए उनका हाथ में। फिर उधर लेना फिर कुटना फिर के गस गस कौन फिर एक हाथ में हाथ फिर एक कटोरी में डाल देना लक्ष्मण के एक बूंद पिए बस बस जिंदा हो गई जिंदा। देखिए बेटा ये रामायण के बारे में वो सीन बता रहा था जब लक्ष्मण को शक्ति मेघनाथ ने मारा था तो मेघनाथ को संजीवनी बूटी के लिए उन्होंने हनुमान जी ने सुसेन वैद्य को लंका से उठा कर लेकर आया था तो उन्होंने बोला था कि जाइए हिमालय पर एक संजीवनी बूटी है वहीं लेकर आइए। तो बच्चा उसी का सीन बता रहा है। रावण ने अपने सैनिकों को अपने राजस्व को भेज दिया था कि वहाँ पर जा करके एक ऐसी माया फैला दो जी बेटा बता रहे हैं ऐसी माया फैलाइए कि वहाँ पर सारी बूटी एक जैसी दिखने लगे संजीवनी बूटी। लेकिन यही हाँ तो ये बेटा देखिए बता रहा है कि वहाँ पर वो कालनेमी राक्षस को भेजता है। कालनेमी राक्षस जो मायावी साधु का भेष बनाकर जाता है और वो कुटिया में वहीं बनाकर गाना लगता है गाने। लेकिन वो जब हनुमान जी को शक हो जाता है कि वो कोई राक्षस था तो इस बेटे को पूरा सीन याद है और इस सीन को देखिए कितना अच्छे से बता रहा है क्योंकि अभी ये छोटा बच्चा है तभी इस थोड़ा आवाज़ इसकी हो सकता है कि क्लियर ना बीच में थोड़ा सा ये बोल दे रहा है भोजपुरी वर्ड भी आ जा रहा है इसी में और हिंदी में बोल रहा है तो इसके लिए आप इसको आप क्षमा कीजिएगा कि छोटा सा बच्चा भी और बताना चाहता है। देखिए आज उनको कुछ समझ में नहीं आया तो कहें भरत भरत से कहें कि भरत भरत ये कौन इसमें संजीवनी बूटी है असली तो कहना कि असली बूटी है तो फिर उठा के ले गए। हाँ ले गए। देखिए ये बेटा अगर बताता चलेगा तो ये बहुत लंबी सीमा तक बताता चलेगा क्योंकि इसको हर सीन याद है। अगर मैं इसे पूछूं तो एक एक सीन बता सकता है। मैं आपको डेमो दिखा दिया इस बच्चे को ये 3.5 साल का बच्चा है इसको पूरी रामायण याद है रामायण का एक एक सीन याद है बता सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो आप पहले इसको देखिए और इन्जॉय कीजिए और फिर मैं इस बच्चे के साथ आऊँगा एक नई वीडियो को लेकर। और ये बच्चा देखिए आप लोग थोड़ा सा ये शरारत भी करता है और ये जो भी वर्ड बोला है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा हो सकता है कि थोड़ा सा ये अभी छोटा भी सही से मतलब जैसे जैसे बड़ा होगा इसको आप समझ ही रहे कि छोटा बच्चा है तो बोलने में तो प्रॉब्लम होगा ही लेकिन जो बता रहा है इसको एकदम एक एक सीन याद है ये याद क्या हुआ है रामायण को देखा भी है और ये अभी से बुक देखता है अभी से कुछ पढ़ना ये जान गया है वर्ड को बहुत कम ही एजिस का है। और आप लोग इसको देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा इस बच्चे के बारे में मैं फिर इसके साथ आऊँगा एक वीडियो लेकर। इससे रामायण तो पूरा याद है दोस्तों लेकिन इससे महाभारत का भी हम पूछें प्रसंग तो बता सकता है तो अलग वीडियो का हम एक अलग लेकर आएंगे रुक जाइए बेटा अलग वीडियो का हम लेकर आएंगे पार्ट जिसमें कि बच्चे के साथ मैं आऊँगा और ये बच्चा रामायण और महाभारत हर एक का पार्ट को बताएगा। तो ओके दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा इस बच्चे के लिए ताकि हाँ ये क्या पढ़ते बेटा महाभारत किताब महाभारत की किताब ही बच्चा ये पढ़ता है खुद बोल रहा है और ये मैं देखता हूँ क्योंकि मेरा जो बड़े भाई हैं उन्हीं का ये एकदम सगा अपना लड़का है भतीजा है उनका तो वास्तव में हमें बहुत खुशी है कि हाँ उन्हीं का लड़का है और इसको हमें बहुत खुशी है कि यह बच्चा इतना अच्छा कर रहा है। और आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा ओके दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट आप भी बोलो।